खाने पीने के शौकीन हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन कई लोग होते हैं जो खाने पीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रोजाना हम कुछ ना कुछ चटर पटर चीज़ें खाते रहते हैं। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद सिटी सेंटर के पास। हम दिखला रहे हैं धनबाद की विरासत, धनबाद के दिल में क्या है। वैसे धनबाद के दिल में कई राज हैं, लेकिन आज एक राज पर से पर्दा हटने वाला है। विरासत की कड़ी में सिटी सेंटर हम इस कारण आ गए क्योंकि कई ऑडियंस की ये डिमांड थी कि हम सिटी सेंटर के पुराने दुकानों को दिखलाएं। तो हमारे पास है फेमस मनपसंद चाट। वैसे राजेंद्र चाट का एपिसोड आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल लाइव इंडियन गार्ड पर। लेकिन धनबाद में सिर्फ राजेंद्र चाट ही नहीं, कई ऐसे चाट वाले हैं जो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज चलिए मालिक से बात करते हैं और जानते हैं दुकान कितना पुराना है और आखिर इस विरासत को बचाने की आवश्यकता क्यों है। सर, क्या नाम हुआ आपका? विनोद भट्ट। एक बात बताइएगा, ये जो चाट का दुकान है, शुरू से यही प्लानिंग था? क्या करें, यही करके चल रहे हैं। यही करते हैं, मतलब फैमिली के कुछ और लोग भी इससे जुड़े थे क्या? नहीं, बस आप ही थे। हाँ। कितने सालों से ये दुकान है? ये दुकान 12 साल से है। 12 साल से है। सर, एक बात बताइए, राजेंद्र मार्केट में एक राजेंद्र चाट है, काफी लोग उनको पसंद करते हैं, तो क्या आप लोग ये सब खबर सुनते हैं? आप लोगों को पता चलता है? हाँ, सुनता है। तो जितने कॉम्पिटिटर है सबका ध्यान रखते हैं आप लोग कि कौन? हाँ। अच्छा बना रहा है। हाँ, कौन क्या कर रहा है, सबको जानते हैं। तो आपका जो धनबाद में इतना नाम है, वो नाम कैसे हो गया? क्या कुछ खास डालते हैं इसमें? खास नहीं डालते, बस कल मसाला रहता है, बढ़िया से बनाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। तो मसाला बाजार में मिल जाता है या कुछ स्पेशल राज है? बाजार में मिलता ही है सब, देखिए ओरिजिनल मसाला अपने से घर में फ्राई किए हुए हैं। वाह, चलिए अच्छी बात है। ये आपके दुकान का नाम है फेमस मनपसंद चाट, तो ये कैसे आइडिया आया था? नाम रख दिए चुन के, बस ऐसे ही रख दिए हैं। मतलब इसमें कुछ कहानी नहीं है? नहीं, कोई कहानी नहीं। तो घर में कितने लोग रहते हैं आपके? हम वही फैमिली रहते हैं, भाई रहते हैं, पापा मम्मी रहते हैं। अच्छा, सभी लोग रहते हैं। तो आप तो इतना अच्छा गुपचुप चाट बेचते हैं, तो क्या जब भी गुपचुप खाने का मन होता है अपने दुकान का खाते हैं या किसी और दुकान? अपने दुकान का, किसी और का नहीं खाना है? 5-7 को गुपचुप खाना है, चाट खाना है, खाना ही है। तो मतलब मन नहीं भरता? फिर भी मन भरता, चाट ऐसा चीज है कि खाने का मन करेगा, अच्छा लगता है। तो आपके परिवार वाले भी आप ही के हाथ का खाते हैं या कोई और जगह? सब कोई, सब कोई। तो कोई और दुकान है जो आपकी नज़र में आपको अच्छा लगता है या बस आप ही है? नहीं, बहुत सारा दुकान है। अच्छा है, बहुत सारा। तो कोई दुकान बताना चाहेंगे? देखिए, जिसको जहाँ मन चॉइस लगा खाने का, जैसे तो सबको अच्छा ही लगता है। अच्छा, इतने किसी का दुकान का बुरा नहीं कर सकते जी। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, एक बात बताइएगा मुझे, कुछ कभी कस्टमर की शिकायत मिली? नहीं, नहीं मिली। चलिए अच्छी बात है। देखिए, आप देख रहे हैं, वैसे तो चाट खाने के शौकीन कई, जी मैं पूछ रही हूँ, वैसे चाट प्रेमी तो कई है, लेकिन चलिए कुछ कस्टमर है उनसे जानती हूँ। क्या ये जो कह रहे हैं अपनी दुकान की तारीफ में, वो बातें सही है या कुछ इसमें मिलावट है? चलिए सर, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो हमारा बगल में ही बिशनपुर घर है, तो बराबर इन्हीं से हम खाते हैं। तो इनके दुकान की टेस्टी, बहुत टेस्टी है। yes. तो कभी लगा क्या कि किसी दिन में अंतर आया या हर दिन अच्छा लगता है? नहीं नहीं, जिस दिन कस्टमर ज्यादा होता है उस दिन हो सकता है थोड़ा टेस्ट में फर्क आया है जी, थोड़ा सा 19-20 होता है। तो धनबाद में जब भी गुपचुप चाट खाना हो यही आते हैं? हम लोग तो यही आते हैं। अच्छा, कौन से टीवी से है? मैं बताऊंगी सर, इंडियन गार्ड नाम है हमारा। एक चीज और बताइएगा सर, खाने पीने में इसके अलावा धनबाद में क्या अच्छा लगता है? मोमो, बगल में ही है दार्जिलिंग मोमो, वही पसंद है? आ, हम लोग वही जाते हैं। तो मतलब पूरी फैमिली रोजाना आ जाती है 2-3 दिनों के बाद चाट खाने? नहीं, नहीं, 2-3 दिन बाद, रोजाना टाइम भी नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है। खाने आ जाते हैं, सप्ताह में 2 बार तो हो ही जाता है। चलिए, आज छुट्टी है इसलिए भी आ गया। अच्छा, छुट्टी के कारण? तो अच्छा, छुट्टी मतलब चाट खा करके मना लेते हैं। चलिए अच्छी बात है। देखिए, अच्छा जी, आप देख रहे हैं चेहरे पर लोगों की खुशी कितनी है, और कस्टमर के प्यार से ही एक दुकान है जो अच्छे से चलता है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बातें करूंगी। तब तक मेरे साथ एक
लेडी भी है। चलिए मैम, पहले तो आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। और खूबसूरत इतनी अच्छी लेडी इतना अच्छा गुपचुप खा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना बरसों से आ रहे हैं, कैसे लग रहा है? अच्छा, हम लोग तो प्रेस वाले हैं, हम लोग तो खाते ही है, लेकिन आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ खास लगता है जो आती है? खास तो है, मतलब खास क्या, सब सेम ही है, लेकिन अच्छा लगता है। कुछ अलग है? हाँ अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है क्या कि यहाँ पे कुछ खाए हो तबीयत खराब हो गया हो, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं, 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 कुछ मतलब नहीं। अच्छा है आप लोग। अच्छा, 10 में से कितना नंबर देना है? 8 तो देंगे, 8 दे देंगे। देखिए हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन 12-14 दिनों से ये राशन दुकान नहीं है, एक स्ट्रीट फूड में चाट का दुकान है। अगर जरा भी टेस्ट गड़बड़ हो गया तो दर जितने ऑडियंस है वो तो चले ही जाएंगे, खाने वाले कस्टमर चले जाएंगे, लेकिन इन पर लोगों का प्यार बना हुआ है। खैर, धनबाद की विरासत हम दिखला रहे हैं आपके गली मोहल्ले में। अगर कोई भी दुकान मौजूद है तो हमें बताइएगा, या कोई पुराना मकान है वो बताइएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप कमेंट बॉक्स में मनपसंद चाट के लिए जरूर लिखें। तब तक जुड़े रहे हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ। हम लोग तो आते रहते हैं।